एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अशीबास क्लाइने वर्ल्ड। आई एम साहिबा। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं नवरात्रि मेकअप लुक। सो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर और इसको मैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। टैप टैप करके इसको मैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड मेकअप करने से पहले हमें अपनी स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमने कब फेस वॉश किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मेकअप स्टार्ट करने से पहले एक बार फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारा फेस क्लीन हो जाए। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल और मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर कहीं पर भी मेंशन कर दूंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब फ्री में होता है, तो फ्री 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 ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यहाँ पर मैं मालियों का प्राइमर ले लूँगी और मैं इसको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेकअप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। फाउंडेशन लगाने से पहले आपको प्राइमर लगाना मस्ट है। और अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन दिस शेड 128। मैं इसको अपने हैंड पर निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पर पहले लगा लूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये मेरी कुछ आदत है डॉट डॉट करके लगाने की। मैं हर चीज़ डॉट डॉट करके, प्राइमर, फाउंडेशन, क्रीम और व्हाटएवर, हर चीज़ मुझे डॉट डॉट करके ही लगानी होती है। सो मैं यहाँ पर अब इसको मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने पर्पल से ही ऑर्डर किया था, बट ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये ब्यूटी ब्लेंडर। इसने मेरे हाथ दुखा दिए, सो मुझे फाउंडेशन लगाने में बहुत दिक्कत आई। बट इसके मैंने थोड़ा इसको यूज़ किया एंड आफ्टर डैट मुझे ब्रश की हेल्प लेनी पड़ी। सो मैंने ब्रश की हेल्प से पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया था, इससे ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो नहीं पा रहा था। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं जो कि है कंसीलर। तो मैं अब कंसीलर अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था नेसेसरी, मैंने वहाँ वहाँ कंसीलर अप्लाई किया, अपनी नोज़ पर, अंडर आइज़ पर, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था इम्पॉर्टेंट है करना, तो मैंने वहाँ वहाँ अप्लाई कर लिया था। सो इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा सा ब्रश की हेल्प भी लूँगी इसको भी अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। बैकग्राउंड में थोड़े सॉन्ग चल रहे थे तो मेरा फोकस थोड़ा इधर उधर जा रहा था, मेकअप से, वीडियो से हट करके थोड़ा इधर उधर जा रहा था। बट इन्जॉय करते करते मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली अच्छे से। सो अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे इस ब्लेंडर से ब्लेंड करने में। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, बहुत ज़्यादा ही हार्ड था ये, ने मेरी फिंगर्स तो मतलब पूरी ऐसा लग रहा था टूट गई हैं, बहुत ही दुख रहा था। सो अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से भी ठीक कर लिया। अब मैं इनसाइड का लूज पाउडर ले रही हूँ और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मुझे अब कंसीलर बेक करना था। सो कंसीलर बेक हो चुका है एंड आफ्टर डैट मैंने इसको रिमूव कर दिया, जो भी एक्सेस था वो सब हट गया है और पूरे फेस पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था। यहाँ पर मैंने स्टे क्विकी के पैलेट में से ब्राउन शेड पिक करके कॉन्टोरिंग की थी। सो हमारी कॉन्टोरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है एंड इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। एंड इसके बाद में मैं स्विस ब्यूटी का ये आईलाइनर जेल ले रही हूँ। इसको मैं अपने आईज़ पर से नॉर्मल से मैंने इसको बस ऐसे ही लगाया था और फिर उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, तो ये मुझे थोड़ा स्मोकी सा लुक दे रहा था। और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर स्विस ब्यूटी का ग्लिटर अप्लाई किया था और फिर उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया था मैंने ब्रश की हेल्प से, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और ये मैंने पूरी आईलेट पे नहीं किया था, मैंने हाफ आईलेट पर ही किया था। ये एक साइड तो कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरी साइड भी यही करेंगे, अपना आईलाइनर लगा करके उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसके ऊपर स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लगा करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हमारा आई मेकअप जो था वो हो जाएगा कंप्लीट।
सो ये अच्छे से हमारा हो गया था, मैंने इस पर ग्लिटर लगा लिया था और इसको ब्लेंड भी कर लिया था। सो यहाँ हमारा आई मेकअप वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब मैं सेम पैलेट में से ब्राउन, ग्रे, ब्लैक से शेड जो हैं वो सब पिक करके अपने लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे मैं उसको अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद में मैंने इसमें से ब्राउन और ग्रे शेड पिक करके अपनी आईब्राउज़ को फिल इन कर लिया था, क्योंकि मैं आईब्राउज़ बनवाती नहीं हूँ इसलिए मैं पाउडर की हेल्प से ही ऐसे ही फिल इन कर लेती हूँ। सो अब मैं यहाँ पे स्टे क्विक का ब्लशर ले रही हूँ, उससे मैं अपने चीक्स पर और अपनी नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी। एंड आफ्टर डैट मैं लूँगी स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट और उसमें से पिंक और शैम्पेन शेड पिक करके उसको अपने हाइलाइटिंग एरिया पर अप्लाई कर लूँगी, नोज़ पर, चीक्स पर, फोरहेड पर, चिन पर, अपर लिप्स पर, सब मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद में मैंने ये शुगर की मिनी लिक्विड लिपस्टिक ली है, उसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं सारे प्रोडक्ट्स के जो कोड हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर्पल का मस्कारा ले रही हूँ, ये मस्कारा मेरा सूखा हुआ निकला था, इसमें मैंने ऑयल डाल करके इसको ठीक कर लिया था, अब अच्छा वर्क कर रहा है। एंड उसके बाद मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड मेकअप फिक्सर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का, और यहाँ हमारा मेकअप जो था वो हो गया है कम्प्लीट। हेयर इज़ द फाइनल मेकअप लुक, नवरात्रि मेकअप लुक। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।